जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज मैं आपसे बातें करूँगा इमेज बर्न के बारे में। बहुत से दोस्त मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे पास विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 का फोल्डर है या फाइल्स है, उसको हम इमेज बर्न कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इमेज बर्न होने के लिए बूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बूटेबल नहीं होगा तो आपका विंडोज़ है वो रन नहीं होगा, जिससे आप अपने सिस्टम को न्यू इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आज आपसे बातें करेंगे इसी के बारे में कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या 8.1 या 10 को हम फोल्डर या फाइल्स से हम उसको बूटेबल कैसे बना सकते हैं। आज चलिए हम आज आपको इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे इमेज बर्न का मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन लाइन में इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 MB का सॉफ्टवेयर है और ये मेरे पास विंडोज़ 8.1 का एक फोल्डर है। देखिए, इसके अंदर सारा डेटा मौजूद है। लेकिन हम इसको अब इमेज फाइल कैसे बनाएंगे, ISO फाइल कैसे बनाएंगे हम इसको, इसके लिए आज हम आपसे इसी के बारे में बताने वाले हैं। इसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करके हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रन करना है, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। चलिए, सबसे पहले हम बर्न इमेज जो मेरा जो इंस्टॉल किया हुआ जो मेरा सॉफ्टवेयर है, हम इसको पहले ओपन कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या क्या बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज फाइल है या ISO फाइल है, इमेज फाइल को ही ISO फाइल बोलते हैं, अगर आपके पास कोई ISO फाइल है तो हम इसको डिस्क में यहाँ से रन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिस्क है, इमेज फाइल है, कोई डिस्क, कोई CD DVD में आपके पास विंडोज़ 7 है, हम उसको ISO यहाँ से बना सकते हैं। फाइल्स से हम DVD राइट कर सकते हैं। ये रहा आपका क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड फोल्डर्स। यहाँ से हम कोई भी अगर आपके पास विंडोज़ का फाइल है या फोल्डर है, हम यहाँ से ISO फाइल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे मौजूद है। चलिए, हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देखिए, यहाँ पे सोर्स मौजूद है, डेस्टिनेशन मौजूद है। सोर्स में जाने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा। देखिए, ब्रोस फॉर ए फोल्डर, यहाँ पे जाएंगे। अब हम तलाशेंगे कि मेरा वो जो विंडोज़ का जो फाइल है वो कहाँ है, फोल्डर कहाँ है। देखिए, सबसे नीचे यहाँ मौजूद है, इसको हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद मुझे डेस्टिनेशन चेक करना है। डेस्टिनेशन हम बाद में भी दे सकते हैं, इसके लिए फिर हमको एडवांस में आना होगा। ये अगर हम सोर्स अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके लिए मुझे फिर इसके बाद मुझे एडवांस में आना होगा। एडवांस में आने के बाद देखिए, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, डेट्स है, मीडिया है, रिस्ट्रिक्शंस है और बूटेबल डिस्क है। यहाँ पे मुझे आना होगा, बूटेबल डिस्क में आना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, मेक ए इमेज बूटेबल। सिंपली सी यहाँ पे मुझे टिक आउट करना है। देखिए, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए, आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग, किसी भी तरह का सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ एक दो सेटिंग आपको चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है। आपको सिंपल है, यहाँ पे बूट इमेज के पास आपको जाना होगा। देखिए, यहाँ पे साइड में एक सर्च का ऑप्शन है, ब्रोस का ऑप्शन है। सिंपल सी मुझे ब्रोस करना है। अब उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपका विंडोज़ ओपन है, जहाँ पे आपका विंडोज़ है, जहाँ पे आपको आपका विंडोज़ का फोल्डर है, वहाँ पे आपको जाना है। और वहाँ पे एक फ़ाइल आपको मिलेगा बूट नाम से, वहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगा बूट नाम से। उस बूट फाइल को ओपन करना है और आपको ये फाइल सेलेक्ट करना है, etfs boot। जी, इसको आप सेलेक्ट कर ले। देखिए, ये फाइल यहाँ सेलेक्ट हो गया है, बाकी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद ये जो सेक्टर ऑफ लोड है, यहाँ पे 4 है, 4 विजडा के लिए होता है, लेकिन मुझे तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या 10 मुझे रन करना है, तो हम इसको 8 कर देंगे। क्योंकि ये जो सपोर्ट जो करता है विंडोज़ 7, 8 या 10, वो सेक्टर 8 को ही सपोर्ट करता है। बस आपको अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, बस आपको अब आना है, इसका डेस्टिनेशन आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि हमको इसको स्टोर कहाँ पे करना है,
इसको डेस्टिनेशन में जाके कहाँ जाके सेव होगा वो सिर्फ आप जाके इसको ओके कर दीजिए। हम चाहते हैं कि ये मेरा डेस्कटॉप पे ही जाके सेव हो जाए ISO फाइल। देखिए यहाँ, और आप यहाँ से क्या क्या फाइल बना सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे देखिए बिन फाइल भी बना सकते हैं, इमेज फाइल भी बना सकते हैं, ISO फाइल भी बना सकते हैं। मुझे तो ISO फाइल बनाना है, तो ये ऑलरेडी ISO पे सेव है, तो हम उसको यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए ये अब जाके यहाँ जो मेरा जो डेस्टिनेशन है, ये डेस्कटॉप है, ये इसी ही नाम से ISO फाइल बना देगा। अब आपको यहाँ आना है, आप यहाँ पे दो जगह से भी जा सकते हैं, या तो आप फाइल से भी जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है, नहीं तो सिंपल से यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिए हुआ है, आसानी के साथ आप यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल से आपको क्रिएट करना है, इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि किसी तरह का कोई आपको सेटिंग तो छेड़छाड़ नहीं करना है, या किसी तरह का कुछ अगर और करना है तो आप कर सकते हैं, नो करके आप पीछे जाके फिर उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेटिंग को यस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब ये कुछ समय लेगा, ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड लेगा, ये एक अपना इमेज तैयार कर लेगा, वॉल्यूम तैयार कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको यस कर देना है। देखिए अब ये फिर आपसे ये फाइनल परमिशन मांग रहा है कि हम अब ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, अगर आप इसको यस करेंगे तो ये परफॉर्म को ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से सिंपल से हम इसको रन कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए अब इसका जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा जो इमेज बर्न है ये कंप्लीट होते ही तुरंत ये प्रोग्राम बंद कर दे, तो यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है क्लोज प्रोग्राम का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ये जो इमेज बर्न का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होते ही मेरा सिस्टम, जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा डेस्कटॉप है, वो शट डाउन हो जाए, यहाँ पे सिंपल से मुझे टिक आउट करना होगा, ये बंद हो जाएगा जी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो इमेज फाइल है लगभग 3 से 4 GB का फाइल है, ये हो सकता है काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट ये समय ले लेता है एक इमेज फाइल को बर्न करने में, इमेज फाइल बनाने में, ISO फाइल बनाने में जी। देखिए 55% हो चुका है, अब आप सिर्फ देखते रहिए ये कितने देर में कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर ये बफरिंग में भी समय लगा देता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो के स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। हम आपको इमेज फाइल भी दिखाएंगे कि इमेज फाइल कैसे बन के तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मेरा जो इमेज फाइल है वो बन के तैयार हो गया है। इसका जो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है एकदम लगता है कि किसी का रिंगटोन है या किसी का मोबाइल आ गया, मोबाइल फ़ोन बज गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल मेरा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल से मुझे ओके करना है, अब इसको मुझे क्लोज करके बाहर आ जाना है। देखिए मेरा इमेज फाइल कहीं पे बन के तैयार हो गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इमेज फाइल बन के कहाँ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा इमेज फाइल बन के यहाँ तैयार हो गया है। देखिए ये ISO फाइल ही बन के तैयार हुआ होगा, देखिए 3.3 GB का ये फाइल है ISO फाइल, अभी का टाइम है, अभी का डेट यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा ISO फाइल बन के तैयार हो गया है। दोस्तों अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप मेरा चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाना है, पेन ड्राइव को कैसे मुझे फॉर्मेट करना है, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में आके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर उम्मीद करेंगे कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।